बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मिर्ज़ा अली बेग। आज आपको मैं बताऊंगा बहुत मज़े की बात और सब लोगों को की दुआओं का हर रंग ले आए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम पार्ट वन और पार्ट टू के इम्तिहानात मुहर कर दिए, यानी इम्तिहानात को डिले कर दिया, जो कि फ़र्स्ट अप्रैल से शुरू होने थे, 1 अप्रैल 2021 से। तो अब उसकी जो नई डेट है वो अभी कुछ दिनों में अनाउंस होगी, वो कोविड के बाद नई डेट आएगी। यानी कि आपको टाइम मिल गया है तकरीबन 15-20 दिन का मिनिमम, अभी यही बताया जा रहा है। तो अब आपके कोई एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, जो आपकी रोल नंबर स्लिप्स आई थी वो आप ज़ाया कर दें और उनको आप ना फॉलो करें। ये बहुत अहम खबर है जो कि मैं अभी आप तक पहुंचा रहा था। अभी मैं इधर एडमिशन कमेटी में हूँ, तो मैंने यहाँ से अभी खबर ली और यहाँ से बता रहा था। जबकि दूसरी तरफ अगर बताया जाए, एफिलेटेड कॉलेजेस जिनका 1st, 3rd, 5th और 7th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम्स शेड्यूल के मुताबिक उसी तरह ही होंगे, यानी उनके पेपर बिल्कुल शेड्यूल के मुताबिक हो रहे हैं। जबकि बीए बीएससी पार्ट वन और पार्ट टू के एग्ज़ाम्स लेट कर दी गई हैं, उनमें ताहीर हो गई है, उनका जो है वो शेड्यूल लेट कर दिया गया है, जो कि बाद में अनाउंस किया जाएगा कि अब पेपर कब होंगे। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अहम खबर। मज़ीद मालूमात और किसी किस्म के मसले मसाइल के लिए आप हमें कमेंट्स बिलो कर सकते हैं और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं मज़ीद मालूमात के लिए। तो एक अहम खबर थी जो कि मैं आप तक पहुँचाना बहुत मैं अहम फ्रेज़ा समझता था। हमारा जो चैनल है वो हमेशा से अथेंटिक न्यूज़ पहुँचाता जा रहा है आपको, और जो भी खबर होती है वो बिल्कुल रियल और सच बताता है। तो बीए बीएससी पार्ट वन पार्ट टू 1 अप्रैल से जो एग्ज़ाम से वो लेट होकर जो है वो अभी अप्रैल के एंड या फिर मई में होंगे। तो ये क्या खबर थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिर्ज़ा अली बेग को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान।